हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, आप लोगों के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब्स मैं लेके हाजिर हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो गाइस, आज की ये जॉब होने वाली है वो होने वाली है होटल वालों के लिए। ऑलरेडी ये महीना एक बोल के चलो कि पूरा महीना ही होटल वालों के लिए रहा। कभी जो है कुक चाहिए, कभी जो है पिकअप पैकर के लिए चाहिए, रेस्टोरेंट के लिए चाहिए। कहने का मतलब है कि इस महीने में पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट होटल वालों के लिए ही आई है। और ये जो जॉब है ये भी सेम होटल वालों के लिए, लेकिन ये थोड़ी कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो गाइस, उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले, ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक सबसे पहले जल्दी से जल्दी मिले। तो गाइस, शुरू करते हैं। आज की जो जॉब होने वाली है कुछ अलग ही हटके जॉब होने वाली है। ये जॉब होने वाली है वो होने वाली है चार्ट मेकिंग की। किसकी? चार्ट मेकर। चार्ट मेकर की जॉब होने वाली है। अब ये चार्ट मेकर क्या है? होटल में और भी जो है पोस्ट सुनी थी, लेकिन ये चार्ट मेकर क्या है? चार्ट मेकर जैसे नाम से पता चलता ना, चार्ट मेकर चार्ट बनाने वाला। चार्ट का मतलब समझता नहीं कि जो शाम के टाइम जो हम लोग चाट पानी पूरी चाट वगैरह खाते हैं वो चाट। तो रिक्वायरमेंट अभी चार्ट मेकर की है, चार्ट मेकर की जॉब। तो गाइस, चार्ट मेकर की जॉब मैं लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए, ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स वालों के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें, ओनली मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, चार्ट बनाने वाला बंदे लोगों की जरूरत है अभी इस जॉब में। सैलरी, टाइमिंग और लोकेशन। सैलरी रहेगी बंदे की स्टार्टिंग में। मेरे पास जितनी भी जॉब आती है मैं आपको जो है हमेशा मिनिमम सैलरी बताता हूँ। मिनिमम सैलरी बोले तो जो उसकी खाते में आने वाली सैलरी है वो मिनिमम सैलरी बताता हूँ हमेशा। कहीं पर उससे ज्यादा ही सैलरी आती है। कभी भी मैं जो है ना आपको 20,000 बोल के जो है 10,000 देने वाला जॉब, या फिर 25,000 बोल के जो है 18-19,000 देने वाला जॉब, ऐसा काम जॉब लेके आता नहीं हूँ मैं। मेरे पास जो सैलरी मिलेगी ना उससे कहीं आपको ज्यादा ही मिलेगी, लेकिन कम तो मिलने का चांस ही नहीं है। तो इसमें जो सैलरी होने वाली है वो स्टार्टिंग 12,000 से चालू होने वाली है। कितनी? स्टार्टिंग 12,000 से चालू होने वाली, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये मिनिमम सैलरी होने वाली है। मिनिमम सैलरी 12,000 होने वाली है। अब 12,000 पकड़ के या फिर 13,000 पकड़ लो, या फिर 15,000 पकड़ लो, या फिर 18,000 पकड़ लो। यस, 12,000, 13,000, 15,000, 18,000, 18,000 तक इसमें जॉब आपको, इसमें सैलरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो इतनी सारी जो सैलरी बताई थी मैं, वो सैलरी डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। आपके ऊपर कहने का मतलब है कि आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा। क्या रहेगा? टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा। रेस्टोरेंट वाला बंदा आपसे टेलीफोन में बात करेगा, आपको किस टाइप का चार्ट बनाना आता है, क्या क्या बनाना आता है, और चार्ट के साथ में टेलीफोनिक जो है आपका इंटरव्यू रहेगा, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। आफ्टर एक्सपीरियंस आपका सैलरी वहीं पे आपका डिसाइड होगा। आप 12,000 या 13,000 या 15,000 या 18,000, वो आपके ऊपर है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। अब इंटरव्यू का मतलब ये मत समझ लीजिए कि जो है क्या सर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं क्या, ये वैकेंसी सॉफ्टवेयर कंपनी की क्या जो इंटरव्यू होगा। देखिए गाइस, ऐसा रहता है कि काफी सारी होटल्स और काफी सारे जो है ऐसे रेस्टोरेंट रहते हैं जो पहले इंटरव्यू करवाता है। मतलब कहने का है कि उस कैंडिडेट्स को, उस बंदे को, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितना एक्सपीरियंस है उस बंदे में, उसने पहले किस होटल में काम किया, वो क्या बनाता था वहां पे, वो सारा का सारा उससे एक बार पूछा जाता है, एक्सपीरियंस लिया जाता है। आफ्टर देन उसका सैलरी डिसाइड होता है।
कि तुम्हारा ये सैलरी रहेगा, तो इसमें भी पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा। घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक इंटरव्यू अटेंड करवाएंगे। आप अपना जो है एक्सपीरियंस बताइए कि सर मैंने जो है एक होटल में जो है 3 साल काम किया, कितना 3 साल मैंने कई XYZ कंपनी में जो है रेस्टोरेंट में सर जो है 6 महीना काम किया, कितना 6 महीना। तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो कंपनी आपको जो है सैलरी फिक्स करेगी, सैलरी डिसाइड करेगी। अब सैलरी की बात की थी 12,000, ठीक है, 12 से जो है 18 तक सैलरी रहेगी इसमें आपको, 12 से 18 सैलरी आपको देखने को मिलेगी इस जॉब में। प्लस इसके अलावा बेनिफिट, प्लस रूम, जो आप बोल रहे हैं कि रूम सबसे बड़ी समस्या, तो उसमें रूम फ्री है, रूम फ्री है, प्लस फूड, प्लस इसमें खाना भी फ्री है। क्या है खाना, तो 12 से 18,000 सैलरी देखने को मिलेगी इसमें, और खाना और रहना दोनों की व्यवस्था आपको फ्री मिलेगी। अब होटल है बंद तो रहना नहीं, खाना तो है ही है। दूसरी बात कि इसका टाइमिंग जो रहता है ना एक अलग हटके रहता है, तो जाएगा कहाँ बंदा, आएगा कहाँ से, तो इसके लिए रूम की व्यवस्था भी आपको मिलेगी देखने को वहां पे। तो रूम और फूड, सैलरी मिलेगी आपको 12 से 18, रूम की फैसिलिटी फ्री, प्लस फूड फ्री। इसके अलावा बात आती है टाइमिंग की, कि सर इसमें टाइमिंग क्या होने वाला है। अब टाइमिंग की बात आती है, तो टाइमिंग से एक बात बताऊं कि चाट का जो टाइमिंग रहता ना पानी पूरी चाट वाले का, वो एक्चुअल में शाम के टाइम रहता है। शाम के मान लो 4:30 बजे से लगाकर या फिर 5 बजे से लगाकर, अरे ये चल क्यों रहा है यार, 5 बजे से लगाकर रात के एक लास्ट मान के चलो कि 9 बजे 10 बजे, बस उतना ही रहता है। तो 5 बजे से लगाकर 10 बजे तक ये टाइमिंग रहेगा आपका, 5 से 10, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटा आपको वहां पे काम करना रहेगा, चाट बनाना रहेगा। अब चाट के अलावा अगर आपको जो है समोसा बनाना आता है, अगर आपको जो कचौरी बनाना आता है, अगर आपको उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा बनाना आता है, तो भी बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर कि जो शाम के 4 बजे से लगाकर जो है 10 बजे तक रहेगा, तो फिर सुबह से हम लोग क्या करेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं क्या, फ्री रहेंगे क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या रहेगा कि आपको सुबह से चाट के लिए जो क्या क्या सामग्री रहती है, क्या क्या इसके लिए चीजें जरूरत रहती है, उसको रेडी करना पड़ेगा। सुबह से जो है उसको रेडी करना पड़ेगा। अब आप जो है 9 बजे उठिए, 10 बजे उठिए, जो भी है वो उठ के जो है आपने जो है चाट का जो है मसाला रहता है या फिर चाट की जो सामग्री रहती है, जो आइटम रहता है, उसको अच्छे से रेडी करके रखना पड़ेगा। रेडी करके फिर जो है आपको इवनिंग 5 बजे से लगाकर रात के जो है 9 बजे बहुत ज्यादा हो गए, 8:30 समझ लो, तो 8:30-9 बजे तक आपको वहां पे रहना है। बस उतना ही काम है, ज्यादा कुछ हार्ड काम है नहीं, एकदम इजी काम है। इस जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है, ओनली नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए। उसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि जो रेस्टोरेंट का मालिक है उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन बंदा चाहिए, जिसको चाट बनाना आता है, कचौरी बनाना आता है, समोसा बनाना आता है, वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी रही आपकी छुट्टी की बात कि सर जो हफ्ते का छुट्टी मिलेगा क्या, 15 दिन का छुट्टी मिलेगा क्या, तो आप एक बार ज्वाइन होइए, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में आपका सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। एक बार इसमें ESIPF की फैसिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट समझ लो, रेस्टोरेंट ही समझ लो। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस है बेंगलोर में। अभी प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट जो है 15 से 20 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितना 15 से 20 कुक
कुक जो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जगह पे शाम के 5 बजे से लगाकर या फिर शाम के 4:30 बजे से लगाकर रात के 9 बजे तक वहां पे अपना चाट का जो है ठेला ठेला का बंद है, तो उनका रेस्टोरेंट रहता है, रेस्टोरेंट के बाहर एक काउंटर लगाते हैं वो लोग, वहां पे जो है काउंटर लगा सके, वहां पे अच्छे से बैठ सके, तो वो वाला काम रहेगा चाट मेकर का। नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगा, हिंदी वाले लड़के की जरूरत है। अब इसमें पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो नो एनी डिग्री, इसमें कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, एमए बीए की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपको एक्सपीरियंस है कुक का, आपको एक्सपीरियंस है खाना बनाने का, आपको एक्सपीरियंस है होटल लाइन में काम किए हुए का, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप मुझे पहले अपना नंबर भेजे, नीचे नाम भेजे, उसके नीचे में हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन चार्ट मेकर या फिर हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन होटल, इतना लिख के भेजें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, नहीं तो आप खुद कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइम हमेशा की तरह मेरे भाई लोग सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक ही है। रिक्वेस्ट है और ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी जो है रात में कॉल नहीं करें। हम लोग कितना भी बोले क्यों ना बोले, आप लोग जो है रात के 11 बजे, 12 बजे, सुबह के 6 बजे, सुबह के 5 बजे, मतलब ये है कि आपने वीडियो देखा, नंबर देखा और उठाया फोन, लगा दिया कॉल, ये भी नहीं समझते कि अगले वाले जो है कैंडिडेट्स, मतलब अगले वाला जो है क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, मतलब ये नहीं देख, अपना फैसिलिटी के हिसाब से उनको कॉल कर लेते हैं। तो गाइज रिक्वेस्ट है आपसे, और ये एक रिक्वेस्ट पे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप शाम के 5, 5:30, लास्ट 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दिन में कहीं पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो है चैट कर सकते हैं कि सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ क्या, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम श्योरली कि जब हम उस कैंडिडेट से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों का जो एक टाइमिंग फिक्स रहता है कि जो इतने टाइम तक जो बात करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहता है ना, उनके लिए हम रात में भी टाइम निकालने के लिए हैं, तैयार हैं, हम लोग उनको रात में भी टाइम देने के लिए तैयार हैं। बाकी आपका 5 बजे से लगाकर रात के 10 बजे, 11 बजे तक आप व्हाट्सएप चैट कीजिए, आपके लिए हम लोग एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा संडे और सैटरडे को कभी कॉल नहीं करें, संडे सैटरडे को आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फिर आप जो है गलत सलत कमेंट्स करेंगे। इससे अच्छा कि जो आप मंडे से लगाकर फ्राइडे तक अच्छे से कॉल करें, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक। तो गाइस एक बार और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे तो मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ, फिर भी मैं आपको लास्ट में एक बार और बोल देता हूँ कि ये जो जॉब है ये चार्ट मेकर के लिए है, चार्ट बनाने वालों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट रिक्वायरमेंट रहता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट चाहिए। हिंदी वाले जो यूपी बिहार जो भी आसाम उस तरफ के लड़के लोग हैं वो अगर इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, पहले कहीं पे काम किया होना चाहिए, वो बंदा कहीं पे काम किया होना चाहिए, उसको कुछ खाने का बनाने का नॉलेज होना चाहिए, खाना बनाने का नहीं चाट बनाने का, उसको समोसा कचौरी कुछ ऐसा बनाना आना चाहिए, वो बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सैलरी आपको बहुत ही अच्छी आपके मुताबिक देखने को मिलेगी, आपके मन के हिसाब से सैलरी देखने को मिलेगी। सैलरी 12,000 से लगाकर इसमें 18,000 तक सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। इसके साथ में रूम की फैसिलिटी फ्री है ही है, इसके साथ में खाने की फैसिलिटी फ्री है ही है, और सबसे बड़ी बात हमेशा कहते रहे कि इसमें आपको फ्री जॉब है, फ्री जॉब है, हमेशा की तरह फ्री जॉब है आपके लिए। हम लोग पहले भी फ्री जॉब लेके आ रहे थे, अभी भी फ्री जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए हम लोग फ्री जॉब लेके आए रहेंगे। ज्वाइनिंग फीस के नाम पे, ज्वाइनिंग चार्ज के नाम पे यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जीरो प्रोसेसिंग चार्ज रहता है, पूरा जीरो प्रोसेसिंग फीस रहता है, कोई भी आपसे एक भी रुपए लिए नहीं लिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि काफी हमारे हम लोगों के पास ऐसे कॉल आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं कि सर एक्स वाई एजेंसी ने जो हम लोगों को लूट लिया,
एक्स वाई जेड कंपनी ने हमको बुला लिया और बुलाने के बाद बोल रहा है कि 1000 रुपए दे दो, 1500 रुपए दे दो, आपको 3 महीने में रिफंड कर देंगे, आपको 1 महीने में रिफंड कर देंगे। और काफी काफी एजेंसी ऐसी जो 3000 5000 पता नहीं कितने कितने जो है एक ट्रस्ट के नाम पे, मतलब विश्वास के, हम लोगों पे विश्वास कीजिए, हम लोग आपको 100% जॉब देंगे बस, और लास्ट में बोलते हैं कि 3000 दे दो, 5000 दे दो, 6000 दे दो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे आपको फ्री जॉब मिलती है। लेकिन आपको जो बंदा इंटरेस्टेड है वही बंदा कॉल करने की जरूरत रहेगी, खाम खा जो है टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं करें। टाइम पास का मतलब समझते हैं ना, काफी बंदे ऐसे देखता हूं मैं क्या, जो 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं कि यार देखो देखो वीडियो है, वीडियो है, देखते हैं यार क्या ये बंदा सही है या जेन्युइन है, चलो ट्राई तो करते हैं। तो ट्राई करने के लिए कॉल नहीं करे यहाँ पे जो है ना, कोई ये मतलब जनसेवा नहीं है कि आप ट्राई करते रहे हम लोगों को, हम और हम लोग आपको बोलते रहे तो दिन भर बस उसी में निकल जाएगा। बाकी बेचारे जो पीछे लड़के लोग हैं और भी बंदे कैंडिडेट्स हैं जिनको काम की जरूरत है, उनको टाइम नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो रिक्वेस्ट आपसे एक और कि आप फालतू में टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं करें, और हम लोगों का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, उस पे आपको डेली अपडेट जॉब मिलती है, 1 रिक्वायरमेंट 2 रिक्वायरमेंट 3 रिक्वायरमेंट 5 रिक्वायरमेंट उसमें डेली आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो गाइस बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है, मैं आशा करता हूँ कि आप मिस नहीं करेंगे इस जॉब के लिए। तो गाइस मिलते हैं कुछ एक और अच्छी नई जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।